तो टी शर्ट्स हमारे पास बनी पड़ी थी, हमने जेब में डाली टी शर्ट्स और हम एंट्री करके कांग्रेस कार्यकर्ता बन गए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने सबको बोला कि जैसे मैं बोलूँगा, क्योंकि हमें यहाँ समय नहीं मिलेगा, तो जैसे मैं बोलूँगा सब एक सेकंड में टी शर्ट पहन लेना। तो सब ने अंदर जाते ही कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जाकर टी शर्ट पहन ली, हड़कंप बच गया। तो हमने कहा मोदी चाय, मोदी चाय, मोदी चाय, हमने नारे लगाने चालू कर दिए। फिर जब मैं तिहाड़ के अंदर गया, अरेस्ट हुआ, जब आप जाते हो तो अंदर एक फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें आपका नाम, आपकी उम्र, आपका कोई पहचान, आपके कोई चोट लगी है, कुछ लगी है, वो आपका मार्क और कोई हाइट, ये सारी चीज़ें भरी जाती है। तो जब उन्होंने मेरा भरा तो मेरी जो उम्र थी 16 साल से 2 महीने कम थी, तो उन्होंने कहा कि आपको तो हम तिहाड़ में रख नहीं सकते क्योंकि आप तो चुनी नहीं हो। जय हिंद एंड वेलकम टू बीइंग लॉजिकल विद अंबर। आई एम योर होस्ट अंबर जैदी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा की मैं बात कर रही हूँ। तजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार। राजनीति के आसमान पर एकदम से छा जाने वाली है तजिंदर पाल सिंह बग्गा, क्या सफर रहा, कैसे राजनीति में आए? ध्यान है कि 2001-2 की बात है, दिल्ली में उस समय सीलिंग चल रही थी जी, और मैंने अभी बीजेपी मतलब युवा मोर्चा, जो बीजेपी यूथ का वो होता है, उसको ज्वाइन नहीं किया था। तो उस समय एक बीजेपी का ये था कि हम एक एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो सब लोग जेल भरो आंदोलन उस सीलिंग के खिलाफ करेंगे, क्योंकि उस समय जो दिल्ली की कांग्रेस की सरकार थी उसने फैसला किया था कि हम दिल्ली के अंदर जो भी रेसिडेंशियल इलाकों के अंदर दुकानें हैं उसको सील करेंगे ताकि मॉल्स को फायदा पहुंच सके। और उस समय ही 2001-2 में मॉल्स का नया दिल्ली में कल्चर आया था, मैं भी उसका पार्ट था। जब तिहाड़ में अरेस्ट हुआ तो मुझे ध्यान है घटना, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो जीवन भर याद रहती है। तो जब मैं तिहाड़ के अंदर गया, अरेस्ट हुआ, जब आप जाते हो तो अंदर एक फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें आपका नाम, आपकी उम्र, आपका कोई पहचान, आपके कोई चोट लगी है, कुछ लगी है, वो आपका मार्क और कोई हाइट, ये सारी चीजें भरी जाती है। तो जब उन्होंने मेरा भरा तो मेरी जो उम्र थी 16 साल से 2 महीने कम थी, तो उन्होंने कहा कि आपको तो हम तिहाड़ में रख नहीं सकते क्योंकि आप तो चुनी नहीं हो। तो आई वाज़ द यंगेस्ट पर्सन इन दैट, वो भी 300-400 लोगों का जो जत्था था, और वो 3 दिन के लिए हम तिहाड़ जेल में बंद होते थे। वो छूटते थे तो दूसरा आता था, तीसरा आता था, चौथा आता था, इस तरीके से। तो फिर मैंने अपने सीनियर को जाके, सुभाष आर्य जी जो हमारे साथ थे, मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा ये तो मैं कैसे वहाँ अकेले रहूँगा, यहाँ सब लोग आप रहोगे और मैं वहाँ क्रिमिनल्स के साथ रहूँगा। तो फिर उन्होंने तिहाड़ जेल के जो प्रशासन को जाके बोला, अकेला कहाँ रहेगा, इसकी एक साल उम्र बढ़ा के लिख दे। तो वो रिकॉर्ड में एक साल उम्र तिहाड़ में बढ़ा के लिखेगी ताकि मैं वहीं पर उनके साथ रह सकूँ। तो ऐसे शुरुआत इतनी छोटी उम्र में, किस चीज ने और किसने इंस्पायर किया आपको राजनीति में इतने बड़े आंदोलन में शामिल होने के लिए? मैं जब 4 साल का था जी, तो अपने पिताजी के साथ मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखा होती है उसमें जाना शुरू किया, और वहीं से देश के लिए कुछ करना है ये एक प्रेरणा मिली। और जब भी आप चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य से या किसी भी आम नागरिक से पूछ लीजिए, आप पूछेंगे कि देश के लिए कौन करता है तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, तो एक ही नाम आता है। बाकी पार्टियों की आप मुझे एक भी कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो उन्होंने देश के लिए करने का सोचा। धारा 370, अखंड भारत की जो बात है, धारा 370 की बात है, या एक देश एक कानून होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, किसी भी एक धर्म के लिए प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, सब बात अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कुछ लोग वोट बैंक के लिए लगे रहते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है आप देश के किसी भी नागरिक से अगर आप पूछोगे कि अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो आपको एक ही विकल्प नजर आएगा। काफ़ी मेहनत की और बहुत छोटी उम्र से आपने मेहनत की है राजनीति में, काफ़ी जाना माना और बहुत बड़ा नाम आप आज हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कभी आपको ऐसा लगा हो, कभी आप अंदर एक हताशा आ गई हो और आपको लगा हो कि अब बस, अब और नहीं? नहीं, ऐसा तो होता रहता है, वो तो हर जगह होता है और सबको होता है, शायद आपको भी होता होगा। जब आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें नहीं मिलती, तो ये मनुष्य और वो स्वभाव में आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो हमेशा चाहते हो वो आपको मिलता है, तो जब नहीं मिलता तो निराशा होती है, लेकिन उसी को बात काम करना होता है कि हाँ, जहाँ इतना हम पहुँचे इतने साल में और आगे जाएंगे। कभी ऐसा लगा हो कि ये बेस्ट मोमेंट है और बहुत खुशी मिली हो कहीं पे राजनीति में या कहीं पे भी पर्सनल लाइफ में? मुझे ध्यान है जब मैं, तब तक मोदी जी से कभी मिला नहीं था, 2013 की घटना है, और 2012 से हमने मोदी जी के लिए कैंपेन चालू किया था। उस समय ही वॉज नॉट इवन ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, तो हमने कैंपेन चालू की थी मोदी फॉर इंडिया।
उस समय जब हम वो कैंपेन कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा सितंबर के अंदर, सितंबर 2013 के अंदर मनीष शंकर अय्यर ने एक बयान दिया था कि मोदी कभी प्रधानमंत्री तो इस देश का बन नहीं सकता। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। वो चाय वाला है तो हमारे अधिवेशन के बाहर आके या हमारे कार्यालय के बाहर आके चाय लगा ले, क्योंकि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे। तो मैं उस समय घर पे था, मैंने एक चाय वाले से जो उसकी अल्मोनियम की केतली होती है वो चाय भरी और अपने जो 13-14-15 प्रमुख मॉडिफाइड इंडिया के सदस्य थे, वॉलंटियर थे, उनको मैंने बुलाया कि फटाफट वहाँ पहुँचो। तो हमारे पास टी शर्ट्स, क्योंकि हम ऑलरेडी वो कैंपेन कर रहे थे, जिस टी शर्ट पे लिखा होता था मोदी जी की फोटो और आगे लिखा होता था इंग्लिश में कि एक चाय वाला पीएम क्यों नहीं बन सकता, जिसने गुजरात बदला है वो देश क्यों नहीं बदल सकता, और पीछे वो चाय का कप और वही हिंदी में लिखा होता था। तो टी शर्ट्स हमारे पास बनी पड़ी थी, हमने जेब में डाली टी शर्ट्स और हम एंट्री करके कांग्रेस कार्यकर्ता बन गए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने सबको बोला कि जैसे मैं बोलूँगा, क्योंकि हमें यहाँ समय नहीं मिलेगा, तो जैसे मैं बोलूँगा सब एक सेकंड में टी शर्ट पहन लेना। तो सबने अंदर जाते ही कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जाकर टी शर्ट पहन ली, हड़कंप बच गया। तो हमने कहा मोदी चाय, मोदी चाय, मोदी चाय, हमने नारे लगाने चालू कर दिए। फिर पहले तो सही बताऊँ, अभी बहुत सारे लोग ना जो वो ये लाए हुए थे उस पर किराए पर लाए हुए थे, वो राहुल गांधी की रैली भी थी, तो उन लोगों ने तो आके चाय पीनी चालू कर दी। फिर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता चला कि कांड हो गया, तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तो वो आए फटाफट, उन्होंने हमारे हाथ से केतली छीन के उन्होंने फेंकनी चालू कर दी। तो मीडिया तो सब था, दिखा रहा था, तो मैंने कहा देखो कांग्रेस के लोग अन्य का अपमान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने फटाफट केतली वापस कर दी, फिर पुलिस वाले आए हमें निकाल के, क्योंकि नहीं तो हम पिटते पिटते मार लेंगे। लेकिन सब न्यूज़ के अंदर ये चला कि तजिंदर बग्गा के सपोर्टर्स और मॉडिफाइड इंडिया सब कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। तो उस समय तक मेरा मोदी जी से कोई बातचीत कभी नहीं हुई थी जिंदगी में, कभी मैं मिला नहीं था, कभी उनके ऑफिस के संपर्क में भी नहीं था। तो मुझे रात को उनके पीए का फोन आया कि साहब पूछ रहे थे, उन्होंने आपकी खबर देखी कि साहब पूछ रहे थे कि आपको कहीं लगी वगी तो नहीं। तो मुझे एक ये मतलब मैंने, क्योंकि यहाँ पे इतने टाइम से हो, तो मैंने ऐसे भी नेता देखे जो नमस्ते का जवाब भी नहीं देते, हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री के लिए नंबर वन है, और मतलब उस समय तो डिक्लेयर भी हो गए थे, सितंबर या अक्टूबर की बात है 2013 की, तो उस समय तक ही बस लीडर उनको बना भी घोषित भी कर दिया गया था, गोवा अधिवेशन के बाद की बात है ये, तभी उसने बोला मनीष शंकर ने कि ये नहीं बन सकते। तो उस व्यक्ति का मतलब आप सोचो कि अपने कार्यकर्ता की खबर देखी टीवी पे, उसको लगी या नहीं लगी वो ध्यान है उसको। अच्छा एक और मैं आपको घटना बताता हूँ, मोदी जी की जो पहली रैली हुई थी वो हुई थी आपका रोहिणी के अंदर। तो उस समय क्या हुआ, कांग्रेस ने होर्डिंग लगा दिए सब जगह, आपको ध्यान होगा उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और जब भी हमला होता था, आतंकवादी हमला होता था, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, दिल्ली में तो 10 जगह हो गया, सरोनी नगर हो गया, पहाड़गंज हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, करोल बाग हो गया, तो मतलब आप जहां जाओ हमले हो जाते थे, आपको नहीं पता कि आज आप जा रहे हो सुरक्षित वापस आओगे कि नहीं आओगे, एक देश में एक माहौल था। अहमदाबाद में, जयपुर में, कहां मतलब कोई ऐसा देश का, हैदराबाद में कोई ऐसा देश का पार्ट बचा नहीं था, बेंगलोर में, तो जहां हमले, आतंकवादी हमले हुए नहीं थे, वो गई थी बरखा दत्त और एक कोई और व्यक्ति थे उनके साथ में, वो गए नवाज शरीफ के पास। तो नवाज शरीफ ने ये कहा, क्या ये तुम्हारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो देहाती औरतों की तरह शिकायतें करने चले जाता है, आपको ध्यान होगा ये जी। बरखा दत्त तो और बाकी लोगों की तरफ से ये चीजें आई कि ऐसे ऐसे उसने बोला। हमने मोदी जी को एक मैंने सजेशन भेजा कि सर यू शुड रेज द इशू कि तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री, आज कांग्रेस उस मुद्दे को नहीं उठा रही, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है। तो आप सोचो कि कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठा रही, कितनी शर्म की बात है, ये दिसंबर की बात है, शायद दिसंबर 2013 की, तो एटलीस्ट मतलब आप इसको उठाओ, क्योंकि इट वॉज फर्स्ट रैली फॉर मोदी जी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पीएम। तो मुझे ईमेल मैंने किया, मेरे पास ईमेल ही उनका कॉन्टेक्ट सूत्र जो था जी। तो उन्होंने मुझे कहा भी था जब मैं मिला उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो भी मतलब आप इस पर ईमेल करोगे तो समझ लो मेरे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो ऐसे सीखा था, बट उन्होंने कहा कि मेरे तक पहुंच जाएगा, आप जो भी सुझाव होगा। तो मैंने उनको भेजा, पहले मैं डर भी रहा था पूरी रात की, वो नहीं बोले अच्छा ये कल का पैदा हुआ बच्चा मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना। तो मैं पूरी रात सोचता रहा, मैं 3-4 लोगों से बात की, भेजो भेजो ना भेजो, कह रहे भेज दो। मैंने कहा नहीं यार मोदी जी क्या सोचेंगे, मतलब ये ना राजी हो जाए। तो मैंने ईमेल करके ड्राफ्ट करके रखा, सुबह 7 बजे मैंने डरते डरते वो भेज दिया। तो मोदी जी ने जब वो भाषण में बोला, अब मुझे नहीं पता वो पहले से था, बाद में था, या उसके बाद उनके ध्यान में आया, बट मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बोला बोला
कि एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत थी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल दे। खैर एनीवेज मैं उसके बाद जब रैली खत्म होगी मैं घर आ रहा था तो मुझे ईमेल का रिप्लाई आया हैप्पी क्वेश्चन मार्क। वाओ, तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं बट हमें लगता है कि देखो एक ऐसा व्यक्ति है। अच्छा मैं तीसरी घटना एक और बताता हूँ आपको, आपको ध्यान होगा मेरा हॉस्पिटल में एडमिट था मैं जी, तो मेरी सर्जरी हुई और फिर कोविड वगैरह भी हो गया हॉस्पिटल में, फिर सर्जरी डिले हो गई तो कई दिन रहा। तो पता तो सोशल मीडिया में ट्विटर पे सबको पता चल ही जाता है क्योंकि एक व्यक्ति आता है फोटो डालता है देखो जी मैं हाल चाल लेने गया था, तो सब पूरी दुनिया को पता लग जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि मोदी जी पांच स्टेट्स पांच कंट्रीज के वो टूर से आ रहे थे, चार पांच कंट्रीज के, जिसमें उसने एक राष्ट्र के जो उपराष्ट्रपति है उसने मोदी जी के पैर भी छुए थे जी। तो उस टूर से वापस आ रहे थे तो एक सफल टूर था और सभी लोग वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर उनका स्वागत करने गए। रात को 2-3 बजे गए और सुबह मोदी जी 6 बजे आए, तो 3-4 घंटे खड़े रहे। तो जब मोदी जी आते हैं तो बाहर उनके सामने क्योंकि बैरिकेड लग जाता है और सिर्फ अंदर 4-5 लोग ही जा पाते हैं, उसमें अमित शाह जी नड्डा जी इस तरह से जो 4-5 मुख्य लोग पार्टी के होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो गए ये लोग, तो बाकी जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो एंट्री जैसे एग्जिट होती है मोदी जी की गाड़ी उसके सामने बैरियर्स लगे होते हैं और वहां पे 5,000-10,000 कार्यकर्ता खड़े होते हैं और मोदी जी आते हैं गाड़ी से उतरते हैं और ऐसे ही वेव करते हुए कुछ लोगों से हाथ मिलाते हुए निकलते हैं। तो ही वॉज कमिंग फ्रॉम 5 कंट्री टूर, तो आए मैं खड़ा था मतलब उसमें जगह भी क्योंकि हर आदमी मोदी जी को दिखना चाहता, उसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं, हर आदमी कहता पहले मैं दिखूँ, तो मैं भी किसी तरह जगह बना के मैं खड़ा था। तो आए मोदी जी आए आए मेरे पास रुके, कहते और तबीयत ठीक है तुम्हारी, मैंने कहा जी। तो मतलब दिस आर द स्मॉल मोमेंट्स, बट आपको ये लगता है कि जिस नेता के लिए आप काम कर रहे हो देश का प्रधानमंत्री है और उसको ये भी मतलब मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि उनको पता होगा क्योंकि मैंने थोड़ी बताया उनके किसी ऑफिस में कि मेरी तबीयत खराब है कुछ है, और वो 5 कंट्रीज के टूर से आ रहा है और वो रुक के पूछ रहे, मतलब मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था उसमें आवाज नहीं आई थी आ रही लेकिन कुछ बोल रहे हैं ये पता लग रहा है क्योंकि लोग मोदी जी के नारे लगा रहे थे तो नड्डा जी भी उनके साथ थे, तो उन्होंने रुके 1 सेकंड के लिए, उन्होंने पूछा था ठीक है तुम्हारी, मैंने कहा जी, फिर वो निकल गए। बड़ी बात है बिल्कुल, देश का प्रधानमंत्री और किसी भी पार्टी का अगर कोई शीर्ष नेता है और कार्यकर्ता के लिए इतना कंसर्न, बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। एब्सोल्युटली आपने सही कहा, लेकिन अगर हम आपकी बात करेंगे तो राजनीति की बात की, तजिंदर पाल सिंह बग्गा एक स्टूडेंट के तौर पर किस तरह के थे, मस्तीखोर, कभी चीटिंग वगैरह करते थे, शैतानियां करते थे स्कूल कॉलेज में। मेरे स्कूल में गाना लिख रहा था तो मुझे वापस भेज दिया क्या अभी मैंने कई सारे गाने लिखे आपको पता ही सुना है जी, एक वो मैं भक्त एंथम लिखा है और ऐसे ही 3-4 और सॉन्ग्स कुछ सुना दीजिए। नहीं ऐसे सुनाने बनाने वाली है हमारी कुछ ऐसे ही राइम करके बता दीजिए क्योंकि आप काफी अच्छा लिख लेते हैं। जो ये था जो वो था भक्त और प्राउड हूँ इसीलिए लाउड हूँ, चमचा नहीं हूँ इसीलिए थोड़ा लाउड हूँ, ऐसा करके था वो, क्योंकि ये कहते हैं ना हमें भक्त कहते हैं और चढ़ाते हैं, तो हमने कहा भक्त हूँ और प्राउड हूँ इसलिए लाउड हूँ, चमचा नहीं हूँ इसीलिए थोड़ा लाउड, ऐसा करके था, भक्त हूँ और प्राउड हूँ नहीं कोई फ्रॉड हूँ, चमचा नहीं हूँ इसलिए थोड़ा लाउड हूँ, ये इसका मेन जो वो इसका लिरिक्स थे। लेकिन अगर हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके क्रशेस होते हैं और वो लव लेटर्स लिखते हैं और एक अलग सी दुनिया होती है, सब कुछ बड़ा अच्छा सा लगता है। आप कभी किसी पर क्रश आया हो, कभी किसी को लेटर लिखा हो, क्योंकि आज तो डीएम का जमाना है, उस जमाने में लव लेटर्स लिखे जाते थे, आपने कभी किसी के लिए लव लेटर लिखा, क्रश आया हो? गाने लिखते थे वो वापस स्कूल से भेज दिया मतलब आप गाना लिख के भेजते थे और आपको स्कूल भेजा नहीं था किसी को, वो तो मैं खुद ही लिख रहा था और टीचर ने पकड़ लिया। अच्छा, टीचर ने ही आपको पकड़ के वहीं से आपको कर दिया। एक सवाल और कि आप ने अभी शादी नहीं की है, आपने एक और नया दे दिया देश जाना चाहता, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, कब शादी करने वाले हैं आप? जरूरी थोड़ी है शादी करना, कोई ऐसा नियम थोड़ी है देश का कानून की शादी करनी करनी है। आप शादी नहीं करने वाले हैं फिलहाल या कभी नहीं करेंगे? अभी तो कोई विचार नहीं है। ओके, फिटनेस के लिए क्या करते हैं आप, क्योंकि आप काफी बिजी रहते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, किस तरह से फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हो? oh और एक तारीख को ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि पूरे महीने जाऊंगा और एक दिन जाता हूँ फिर उसके बाद रह जाता है। और इतना तो सब जानते हैं कि तजेंद्र पाल सिंह बग्गा खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, क्या आपको खाना सबसे ज्यादा पसंद है और कुछ बनाना आप बना लेते हैं कुछ? हाँ मैगी। और खाने में क्या पसंद है? मैगी से गुजारा कर लेते? नहीं, सीख कबाब, बिरयानी,
बटर चिकन बस यही तीनों चीजें खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते रहते हैं, बट ये तीन जो चलती ज्यादा खाते हैं। अगर अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करें, आजकल किसान आंदोलन एक बार फिर से उफान पर है, किसान आंदोलन ही नहीं बल्कि अगर उसको ये कहा जाए किसान आंदोलन, कहीं ना कहीं एक सिख आंदोलन बनता जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो मांगे थी, जो जायज मांगे थी, सरकार ने उसको ऑलरेडी मान लिया है। और अगर आप यूपीए सरकार से कंपेयर करेंगे, जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, ये 2010 में उनका पार्लियामेंट के अंदर उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट है कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। उसके कई सारे कारण हैं, कोई भी सरकार उसको नहीं कर सकती। कांग्रेस का टाइम पे 12 फसलों पे अपना MSP मिलती थी, अस्थाई फसलों पे मिलती है, और सरकार कोशिश कर रही है उसको मैक्सिमम करें। लेकिन अगर हर फसल को MSP देना तो देश की आज जो इकोनॉमी है उसमें 50% से ज्यादा सिर्फ MSP पे ही चला जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो सरकार ने ऑलरेडी कहा है। और जो भी उसके अलावा किसानों की मांग हो, किसी की बात हो, कोई भी हो, अगर बैठता है सरकार के साथ, अपनी मांगे रखता है, तो उसको बिल्कुल सुना जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन उपद्रव करके, रस्तों को रोक के, देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तोड़ के, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। और आज अगर आप देखेंगे कि जो पिछली बार समर्थन मिल रहा था, इस बार वो समर्थन भी नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी और आपका एकदम टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता है, क्या खास मोहब्बत है उसे, टॉम एंड जेरी की तरह दोस्ती आपकी, या कुछ खास वजह है इसके पीछे? देखो, मेरे तो केजरीवाल जी बड़े अच्छे मित्र रहे, हमने साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट किया है, और हम कुमार जी के घर पे मिलते थे, कुमार विश्वास जी के घर पे, जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। और हम कई बार साथ में मिले हैं, मैं होता था, कुमार जी होते थे, मनीष सिसोदिया जी होते थे, तो हमने साथ में बैठ के, और उस समय बड़ी बड़ी बातें करते थे, देखो जी हम आएंगे, चंद्रोपाल आएगा, आप देखना करप्शन खत्म हो जाएगा, इस देश के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे। बट अब आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे तो सीधी बात है कि आपने जो वायदे किए थे उसको पूरा करिए। आज आप देख लीजिए कि 10 साल हो चुके हैं उनको, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। 2013 में पहली बार सत्ता में आए थे, लेकिन हम चंद्रोपाल की बात नहीं करते हैं। 15 लाख कैमरे लगाने की बात कही थी, उसकी बात नहीं करते हैं। 20 कॉलेज खोलने की बात कही थी, उसकी बात नहीं करते हैं। पूरे दिल्ली को वाईफाई करने की बात कही थी, उसकी बात नहीं करते हैं। 500 स्कूल खोलने की बात की थी, सिर्फ कुछ स्कूल्स को रिनोवेट कर दिया गया है, रंगाई पतोई कर दी गई है। तो आप ये सोचो कि एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया था, आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। इतना मतलब आप लगा लो कि लालू जी को भी भ्रष्ट होने में 10-20 साल लग गए थे, लेकिन ये तो आते ही इतने इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले कर दिए। आप शराब के अंदर घोटाला, DTC बसों के अंदर घोटाला, तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर घोटाला, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके अंदर घोटाला नहीं होगा। आपको लेकर एक और घटना जो मुझे याद है, अभी पिछले ही वर्ष की घटना है, पंजाब पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आई और हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को गिरफ्तार करा दिया, कर लिया, कैसे हुआ, थोड़ा सा विस्तार में बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नहीं कुछ नहीं, देखो जो इलीगल काम करेगा वो तो अरेस्ट होगा, तो उन्होंने इलीगली अरेस्ट किया इसलिए वो अरेस्ट हो गए। हुआ क्या था, पूरी घटना मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा आपसे। कुछ नहीं, जब इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कश्मीर फाइल्स जो आई वो फिल्म ये थी कि देश के अंदर एक मतलब हिंदुस्तान में जैसे हिंदू बहुल देश है, उसके अंदर एक हिंदुओं का सबसे बड़ा एक नरसंहार हुआ, 5 लाख परिवारों को अपने ही घर छोड़ के जाना पड़ा। उसके ऊपर 30 साल बाद एक व्यक्ति उस कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हमारे देश में एक अपनी बहुसंख्यक समाज के साथ क्या हुआ, और इससे बड़ा नरसंहार मेरे तो ध्यान में हिंदुस्तान में कोई हुआ नहीं होगा कि 5 लाख परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। तो उसके ऊपर फिल्म बना रहा है, केजरीवाल जी से मांग की गई, सभी सरकारों से मांग की गई, इसको आप टैक्स फ्री करिए, BJP की सभी सरकारों ने किया भी। तो ठीक है, आप मना कर देते हैं कि भैया हमें नहीं सूट करता एजेंडा, हम नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने मुखोल करने की कोशिश किया और ये बोला कि ये झूठी कहानी है, उसके कारण हमने वहाँ पर प्रदर्शन किया। और हमने केजरीवाल को ये बोला कि अगर आप इसको माफ़ी नहीं मांगते हैं, आप इस पर माफ़ी मांगी इस देश के 125 करोड़ हिंदुओं पर, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तो हम तब तक आपको जीना नहीं देंगे। तो एक आम बातचीत की भाषा ये नहीं करेगा तो, है ना। तो इन्होंने मेरे खिलाफ FIR कर दी पंजाब के अंदर कि मैं इनको जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ, और उसके ऊपर जान से मारने की धमकी की FIR करके पहले अरेस्ट करने आए, तो मैं उस समय नोएडा में था, और फिर ये उस समय तो वापस चले गए क्योंकि कोर्ट वोट में मामला चला गया, और कोर्ट ने कहा कि आप बिना नोटिस के ऐसे तो अरेस्ट कर ही नहीं सकते सीधा। तो उन्होंने नोटिस भेजे, नोटिस में हमारा वकील हर भरी वहाँ पर रहा, क्योंकि इनकी तैयारी थी मुझे वहाँ पंजाब बुलाएंगे, और पंजाब भेजते ही
4-5 और एफआईआर की तैयारी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं हमने कोर्ट वो अपील डाली तो उसमें वो स्टे लग गया अरेस्ट पे, तो उन्होंने नोटिस भेजे, हमारे वकील हर बड़ी जाता रहा। फिर ये एक बारी जब आए, दो लोग आए, ये नोटिस नहीं आते थे, जैसे एक पंजाब पुलिस का एक दिल्ली पुलिस का व्यक्ति होता था, उसमें जो साथ का व्यक्ति था मुझे लगा दिल्ली पुलिस का है। तो जब भी आए दो लोग नोटिस देने आए, हमने नोटिस रिसीव किया, उसने एक दरवाजा खोला, अचानक 30-40 लोग अंदर आए और मतलब 7-8 गाड़ियाँ थी, जैसे किसी आतंकवादी को उठाने के लिए कोई आता है तो वैसे उठा के ले गए। फिर उसके बाद तो सबने टीवी में देखा जो हुआ। अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, 25 में दिल्ली में भी इलेक्शन होंगे, लोकसभा की बात करें 400 के पार की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, किस तरह मुमकिन हो पाएगा, क्या आपको लगता है? क्या मोदी है तो मुमकिन है, बस काफ़ी है? बिल्कुल। इसके अलावा कुछ किस तरह की स्ट्रेटजी है, क्योंकि सामने अभी इंडिया लैंड है, मोदी ही स्ट्रेटजी है। और जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी ने जो विकास कार्य की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, जिस देश को अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके जाने का काम हो रहा है, जिस तरीके से इस देश के अंदर आज एक युवाओं की सोच बदली है, पहले युवा नौकरी मांगता था, युवा नौकरी देने वाला बन रहा है, आज मेक इन इंडिया को प्राउड से कहता है, आज स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, तो आज देश के युवा की सबसे पहले आप सोचेंगे, जब 11-12 में रूस स्कैम होता था, कभी 2G स्कैम, कभी कोयला स्कैम, कभी आदर्श स्कैम, कभी बड़े बड़े जो रोज घोटाले होते थे, तो आप देखेंगे उस समय कि रोज आप जब अखबार खोलते थे तो 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़, तो उस समय लोगों की युवाओं की एक सोच बनी थी, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हम इस देश को छोड़ कर जाएंगे। आज इस देश के बहुत से लोग जो बाहर से भारत आ रहे हैं और भारत में कुछ भारत के लिए करना चाहते हैं, उनको पता है, क्योंकि आज भारत के अंदर एक मौका है आगे बढ़ने का, आगे जाने का जी। इस सोच को मोदी जी ने बदला है, इसलिए इस देश का युवा मोदी जी को लेके आए। दिल्ली की बात करें तजेंद्र जी, 2025 नज़दीक है, काफ़ी बहुत दूर नहीं है, और जिस तरह से हमने देखा है कि आप सरकार लगातार दिल्ली में पैर जमाए हुए हैं, और दिल्ली में बीजेपी ने अपना कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, क्या कुछ तैयारी है, किस तरह की स्ट्रेटजी है केजरीवाल जी को टक्कर देने के लिए? ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रयास किए गए, बीजेपी कोर्ट में गई, बीजेपी इस लड़ाई को लड़ा, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे हमारे 8 ही विधायक थे और हमने उनको एक्सपोज करने का काम किया, और उसी का नतीजा है कि आज उनके 4-4 मंत्री जेल के अंदर हैं। तो ये जो लड़ाई लड़ी, इसको भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, किसी और ने थोड़ी लड़ी, कांग्रेस आप लोगों को लड़ते हुए थोड़ी दिख रही है। तो उनकी चीजों को सामने लाना, लोगों तक पहुंचाना, और उसकी लड़ाई लड़के इनको जेल तक पहुंचाना, वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है दिल्ली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो उनका चेहरा है वो बाहर आ चुका है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे आज वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उनको जो 10 सीटें भी नहीं आएंगी, और केजरीवाल जी का ये अंतिम चुनाव था। बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली के दिल में तो केजरीवाल जी बसे हुए लगातार आ रहे हैं, लेकिन दिल में तो चेंज भी होता रहता है। कहते हैं ना, दिल तो दिल है, दिल का एतबार क्या कीजिए। तो इस वैलेंटाइन डे पे लोगों ने दिल से केजरीवाल को निकाल दिया है। अच्छा, वैलेंटाइन डे अभी निकला है, आपका पूरे इस वैलेंटाइन वीक पे क्या प्रोग्राम था, क्या कुछ किया आपने? यही बैठा हुआ था जी। हर दिन यही पे होता है? बिल्कुल, बहुत सारे डेज होते हैं ना, पूरा एक वीक होता है। हाँ। हर दिन इधर ही, ट्यूसडे छोड़ के। ट्यूसडे को क्या था? ट्यूसडे को छुट्टी होती है। हम वापस से राजनीति की बात करते हैं। युवा आजकल राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, सोशल मीडिया की बात करें, सड़कों पे चले जाएं, ओपिनियन की बात करें। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, राजनीति को लेकर लोगों का एक जो कहीं ना कहीं ओपिनियन था वो बदला है। मोदी जी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ओपिनियन मेकर के रूप में सामने आए हैं। कैसे मुमकिन है कि एक राजनेता, सिर्फ एक नेता, पूरे देश की सोच बदल देता है? नहीं, मैं तो देखो मोदी जी को भी मानता हूँ कि मोदी जी भी एक देश में प्रभावित करते हैं, राहुल जी भी प्रभावित करते हैं। मोदी जी जब प्रभावित करते तब भी भाजपा को वोट पड़ता है, राहुल जी जब प्रभावित करते तब भी भाजपा को वोट पड़ता है। तो राहुल जी भी हमारे लिए एसेट है, हम तो उनको भी अपना नेता मानते हैं। आप कहते हैं अक्सर कि वो बीजेपी के कैंपेनर है, स्टार कैंपेनर। बिल्कुल है, और हम तो चाहते हैं कि वो अगले कम से कम 100 साल जिए और इसी तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि तब तक तो भैया रिहान भैया भी अध्यक्ष बनने के लिए बड़े हो जाएंगे। तो राहुल गांधी के बहुत सारा सपोर्टर है, क्योंकि लगातार वो यात्राएं, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हम भी उनके सपोर्टर हैं। तो राहुल जी ना होते तो हो सकता हमारी 20 सीटें कम आती,
तो राहुल जी हमारे जहाँ जाते हैं हमारी सीटें बढ़ा के आते हैं। बिहार गए देखो क्या हुआ, तो महाराष्ट्र गए वहाँ के नेता आ गए, तो जहाँ जाते हैं राहुल जी वहाँ अपने आप ही कांग्रेस के लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं। पंजाब गए तो पंजाब के अंदर उसने कह दिया भगवंत मान ने कि भैया इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अभी दिल्ली पार्लियामेंट में आए तो उनकी कल आम आदमी पार्टी दिल्ली ने कह दिया कि एक सीट हम दे देंगे, इनको एक से ऊपर नहीं देंगे। तो राहुल जी तो जहाँ जाते हैं हमारा फायदा करा के आते हैं। कई बार तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि राहुल जी कहीं बीजेपी के सीक्रेट एजेंट तो नहीं है कांग्रेस में। वही ना, शक्तिमान ही गंगाधरी शक्तिमान है वैसा वाला, बचपन में शक्तिमान बहुत देखते थे। भगत जी अगर बात करें आपके राजनीति में यहाँ तक पहुँचने की, आपकी फैमिली में भी कोई राजनीति में है, कोई आपको सपोर्ट करता है? हाँ, पिताजी थे पहले, बट उन्होंने 93-94 में मतलब एक तरह से त्याग दिया था। ओके, आप जो कुछ करते हैं चाहे सोशल मीडिया ट्वीट्स की बात करें, आपके पोस्टर होर्डिंग्स की बात करें, आप जो कुछ भी करते हैं ना एकदम बवाल मचा देते हैं। अब तक जो कुछ भी किया है, इनफैक्ट एक मुझे और आपका इंसिडेंट याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले की बात है, आपने कोई ट्वीट की थी और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से आपको एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें रिवियस सेंटिमेंट हर्ट करने की बात सामने आई थी। क्या किया था, आपके परिवार की तरफ से कोई दबाव होता है जब इस तरह की नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने नोटिस भेजा था जी, और वो केजरीवाल के दबाव में था। और इस तरह के नोटिस तो खैर आते रहते हैं, अब केजरीवाल जी और तो कुछ कर नहीं सकते, तो जो संस्थाएं उनके पास है उसका दुरुपयोग करके वो करते हैं। तो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता, ये आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ से कंप्लेंट डाली गई और उनकी तरफ से नोटिस दे दिया गया। ओके, जब इस तरह की चीजें होती है, रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने की बात, जब सिख समुदाय से आते हैं, आपने कोई ट्वीट की, घर वालों की तरफ से कुछ आप पे प्रेशर होता है कि आप इस तरह का मत कीजिए, बस कर दीजिए? नहीं, अगर मैं सही हूँ तो घर वाले सपोर्ट भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कभी कोई ऐसा मौका मिला हो कि जब कोई ऐसा उनको लगा हो कि ये गलत है, तो मुझे हमेशा ही मतलब परिवार की तरफ से फुल सपोर्ट मिलता है जी। लेकिन अगर हम जैसे हम युवाओं की बात कर रहे थे, आप भी युवा हैं और बड़ी संख्या में हमारे देश में युवा राजनीति से प्रेरित है, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि अब आज के दौर में लोग राजनीति में एक करियर भी देखने लगे हैं, और जो मुझे लगता है बुरी बात नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि जब तक युवा राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक वो लोग जो जिन्होंने 70 साल तक इस देश को खाने का काम किया, इस देश में घोटाले करने का काम किया, वो लोग आज भी कुछ ना कुछ इस देश को खराब करते रहेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और जो भी चीज़ हो उनको लगे कि गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उसी युवाओं की ताकत के कारण मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र पाल बाघा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारी बातें और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, और तब तक आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।